Subscribe and press the bell icon to never miss an update from Nick Zeek. Hey guys, welcome to another video of Nick Zeek. आज हम देखेंगे जीप कंपस के कुछ रेयर फैक्ट्स. लॉन्च होते ही इसने कई इंडियन कस्टमर्स का दिल जीत लिया था और मैं बहुत थैंकफुल हूँ जीप नागपुर का जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए ये कार ऑफर की. ये गाड़ी अब तक बहुत सक्सेसफुली सेल होती आई है और आज हम देखेंगे इसके सभी खास फीचर्स एंड कुछ रेयर फैक्ट्स. अब तक इसको 28 अवार्ड मिल चुके हैं बेस्ट इंडियन कार के लिए. जीप कंपनी को नंबर वन कस्टमर सर्विस का टाइटल भी मिल चुका है. इसमें है 4 चैनल के ABS, ज्यादातर कार्स में 3 चैनल ABS होते हैं. जीप कंपस को यूरो एनकैप में मिली है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग. इसके सभी वेरिएंट्स में 50 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स स्टैंडर्ड एडेड होते हैं, इंक्लूडिंग ABS, ESP, 6 एयरबैग्स एटसेट्रा. इसमें है 8.4 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें इसका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑपरेट होता है एंड साथ ही है जीप का यू कनेक्ट जो बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह इजी टू ऑपरेट है. इसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी है. जीप कंपस में आता है अल्पाइन म्यूजिक सिस्टम विद 6 स्पीकर्स फॉर सराउंड साउंड एक्सपीरियंस एंड इट रियली साउंड्स ग्रेट. स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स हैं और ये है इसका डिजिटल MID. इसमें ऑटोमेटिक के साथ पैडल शिफ्टर भी है. डैशबोर्ड पर है हार्ड टच प्लास्टिक बट इट लुक्स रियली प्रीमियम एंड यहाँ एल्यूमिनियम लाइनिंग भी सुंदरता बढ़ाती है. ये छोटा कूल लव बॉक्स है जो आपकी कोल्ड ड्रिंक कैन को मेंटेन कर सकता है. बेसिकली ये रियर AC वेंट से ठंडा रहता है, इट्स अ ट्रिक. और ये इसका ग्लव बॉक्स है जो सफिशियंट है पेपर्स वगैरह रखने के लिए. रियर सीट्स भी कुशनी एंड कंफर्टेबल हैं. टाइम टू ड्राइव. नाउ वी आर ड्राइविंग द अल्टीमेट जीप कंपस लिमिटेड पेट्रोल इंजन विद 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. मुझे ऑलरेडी एक अच्छी प्रीमियम फीलिंग आ रही है इसके अंदर क्योंकि इंटीरियर प्लश है एंड गाड़ी की सीटिंग भी सुपर कंफर्टेबल है. स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत लाजवाब है. मैंने कई कार्स ड्राइव किए हैं अब तक एंड ये स्टीयरिंग व्हील बेस्ट रिस्पॉन्सिव है. लाइट होने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं कर रहा है. गाड़ी बहुत कंट्रोल में है, बाकी तो हाईवे पर पता चलेगा. जीप कंपस वैसे तो XUV के प्राइस रेंज में आती है लेकिन 5 सीटर होने के बाद भी ये XUV से ज़्यादा सक्सेसफुल है. कारण है इसका अल्टीमेट रोड प्रेजेंस, एडवांस फीचर्स, ईजीएस्ट हैंडलिंग, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीप का भरोसा. कई लोग जिन्हें प्रीमियम कार चाहिए वो फॉर्च्यूनर एंड एंडेवर की तरफ जाते हैं लेकिन जिन्हें कॉम्पैक्ट कार में वो सभी लग्जरी फीचर्स चाहिए उनके लिए फर्स्ट चॉइस है जीप कंपस. इसका 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लाजवाब बना देता है. ये भी सेगमेंट फर्स्ट है एंड इसके अलावा ये सिर्फ अल्ट्रोस में मिलता है. फॉर्च्यूनर एंडेवर में भी सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही है. ये है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड हील ऑटो होल्ड. स्टीयरिंग पर माउंटेड है MID के कंट्रोल्स एंड कॉल फंक्शन बटन्स. म्यूजिक कंट्रोल स्टीयरिंग के पीछे दिए हुए हैं जबकि यहाँ ब्लैंक स्विचेस रखे हैं. इंटीरियर में रूफ का फिट एंड फिनिश भी बहुत खूबसूरत है. गाड़ी का पिकअप बहुत इंप्रेसिव है. आप ट्रैफिक सिग्नल के खुलते ही पावर डिलीवरी ऑन डिमांड पाएंगे. देयर इज नो पावर लैग एट ऑल. अब नागपुर के हाईवे पर कुछ कंजेस्टेड रास्ते भी हैं, जीप के अंदर कुछ पता नहीं चलता रास्ते का. इसमें है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दैट इज सेगमेंट फर्स्ट एंड इट कूल्स रैपिडली. मैं तो ऑलरेडी फील कर रहा हूँ कि काफी हम रिफाइन चल रहे हैं. मैं एफर्ट नहीं लगा रहा, एक्सेलरेशन पे हाथा थोड़ा बहुत ही मेरा प्रेशर होगा, बाकी तो गाड़ी अपने आप ही हैंडल हो रही है और ये स्टीयरिंग काफी लाइट है. सो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाइज तो आई एम ऑलरेडी फीलिंग कि जीप इतना बड़ा ब्रांड क्यों है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ियों के. सिर्फ SUVs बनाती है, SUV स्पेशलिस्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट वो ऑफ रोडिंग के बादशाह हैं. उनकी गाड़ियाँ पत्थरों पे पहले चलती है बाद में रोड पे आती है. वो रूबिकॉन और रैंगलर तो मेरी फेवरेट है. इसकी एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है 15,60,000 से और जाती है 23,11,000 तक. बहुत अच्छा. जीप कंपस जब आई थी इंडिया में 14,00,000 एक्सशोरूम प्राइस दिखा करके मैं शॉक था कि हाँ वही तो मैं शॉक था कि जीप इतने कम में कैसे आ रही है. कौन सी गाड़ी होगी यहाँ पे? वो मेड इन इंडिया है ना.
जीप चलाते वक्त आप जब नोटिस करते हैं स्टीयरिंग पर जीप का लोगो, तो एक प्रेस्टीजियस फीलिंग आती है कि भाई हम जीप चला रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जीप कंपस के 4 ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड इंडिया हैज वन ऑफ दोज। वर्ल्ड वाइड 26 कंट्रीज में राइट हैंड ड्राइव होता है, वहां इंडिया की कंपस एक्सपोर्ट की जाती है। मुझे अच्छा लग रहा है, रिफाइनमेंट काफी अच्छा है, सिटिंग पोजीशन काफी अच्छी लग रही है इसके अंदर, और बाकी राइड क्वालिटी तो आपको ऑलरेडी मालूम है। मैं क्या बोलता हूँ, आई एम यूज्ड टू ड्राइव अ क्रेटा पेट्रोल। पेट्रोल वाली गाड़ी में मुझे रिफाइनमेंट पसंद है। अब कई लोग बोलते हैं कि डीजल का पुश पसंद है, मुझे डीजल का पुश पसंद है, बट मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि शहर में ज़्यादातर वक्त अपन स्लो चलाते हैं, तब वो डीजल का पुश मेरे किस काम का। उस टाइम पे तो ये रिफाइनमेंट, ये स्मूथनेस, ये बहुत ज़्यादा काम की है। और ये कैबिन का जो इंसुलेशन है, आवाज़ इतनी कम हो रही है इसकी, मैं फील ही नहीं कर रहा आवाज़ है। दिस इज द फर्स्ट व्हीकल व्हिच इज हैविंग 28 बैफल्स फॉर कैबिन इंसुलेशन। वाओ, जीप कंपस हैज 28 बैफल्स फॉर कैबिन इंसुलेशन, दैट इज फर्स्ट कार टू हैव दिस। वाओ, हाईवे पर हैंडलिंग तो बहुत जबरदस्त है, ड्राइविंग प्लेजर तो है ही इसमें नो डाउट। इसको लेकर लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना मजेदार रहेगा। 5 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, एबीएस, ईबीडी, कॉन्क्रीट सेल्फ है, अभी 4 चैनल एबीएस। ओके, तभी इसकी ब्रेकिंग और ज्यादा रिलायबल होगी, ट्रैक्शन कंट्रोल होने की वजह से भी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तभी भी सस्पेंशन अच्छे लग रहे हैं। कई सारी गाड़ियों में रोल ओवर इंप्रूव करते हैं ना, तो स्टिफ कर देते हैं सस्पेंशन को। अब थोड़ा खुला हाईवे मिला तो थोड़ा सा रैश चलाकर देखते हैं कि हैंडलिंग कैसी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कोशिश ना करें, सेफ ड्राइविंग करें और ट्रैफिक रूल जरूर फॉलो करें। वाओ, पावर ऑन डिमांड, क्या हैंडलिंग है, क्या ओवरटेकिंग है, इट इज सुपर्ब। मैंने सुना है कि कई प्रीमियम कस्टमर्स जो एफ पेस, Q5 एंड X3 के लिए जाते थे, उन्होंने भी इसे पसंद किया है एंड परचेज भी किया है, क्योंकि इसमें पावर के साथ फीचर्स एंड कंफर्ट भी है। 100 की स्पीड है, टर्निंग हो गई, ब्रेकिंग हो गई, आराम से हो गई। इंस्टेंट ब्रेकिंग भी काबिले तारीफ है, गाड़ी बिल्कुल नहीं हिली एंड इजीली स्लो हो गई, 10/10 फॉर ब्रेकिंग। इसका टर्निंग रेडियस तो कम है ही, लेकिन सिर्फ एक लेफ्ट हैंड से ही इजीली यू टर्न ले पाई, टू गुड। ये ट्रैक पर मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इतना सही एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मिला है मुझे। यहाँ अगर खाली रोड मिल जाए तो जीप ड्राइवर को और कुछ नहीं चाहिए, बस एक्सेलरेशन चाहिए। वी आर नाउ बैक ऑन आवर हाईवे। हम गुजर रहे हैं नागपुर के खापरी एरिया से, जो हाईवे को मिहान से लिंक करता है। आने वाले टाइम में यहाँ ट्रैफिक डबल हो जाएगा मिहान के लिए। स्पीड ब्रेकर्स पर सावधानी से स्लो कर लो, ट्रक से तो दूरी ही अच्छी। अब इसको ले चलते हैं एक ऑफ रोड ट्रैक पर, वहां देखेंगे इसकी नेक्स्ट लेवल एसयूवी कैपेबिलिटीज। जीप परिवार की हर गाड़ी का ऑफ रोड पर जुल्मी टेस्ट होता है, लेकिन हम कंपस को बख्श देंगे, जरा प्यार से ही चलाएंगे इसे ऑफ रोड पर। ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं ले जाना चाहता, मैं भी हमेशा अवॉइड करता हूँ अनलेस किसी गाड़ी की टेस्टिंग करनी हो। फाइनली पक्की सड़क तक पहुंच गए, अब थोड़ी क्रूजिंग होगी तो रिलैक्स ड्राइव करेंगे। घर कैसे खराब खराब रास्तों में भी स्मूथ चल रही है, सिर्फ पैरों को वाइब्रेट हो रहा है, पीठ तक भी नहीं आ रहा है झटका। बम्पी रास्ते में भी आराम से चल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो क्रेटा में भी नहीं आता मेरे को कि ये बस आ रही है और मैं इतना स्पीड से चला रहा हूँ। सही है यार, जो गाड़ी रोज चला रहा हूँ उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये आज चला रहा हूँ उसमें आ गया।
अब जीप जाएगी कॉलोनीज में। ओह ओह ओह, सभी गाड़ियों के बड़े भैया आ गए। कॉलोनीज की कंजेस्टेड सड़कें गाड़ी के हैंडलिंग टेस्ट के लिए बेस्ट हैं। अगर आप किसी कार को यहां से निकाल सकते हैं, मतलब इससे डेली यूज के लिए प्रेफर किया जा सकता है। जीप का परफॉर्मेंस यहां भी बेस्ट मालूम पड़ रहा है। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का एक पार्ट यहां मेरे घर के पास भी है, इसीलिए यहां रास्ते और टफ हैं। अब एक यू टर्न है यहां, बहुत ही कंजेस्टेड रास्ते हैं, रिवर्स भी करना पड़ेगा। इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा में है पार्क असिस्ट के लाइंस, जिससे रिवर्सिंग इजी हो जाती है। वाओ, इसमें रिवर्स के बाद आगे जाने पर भी कैमरा शुरू रहता है कुछ देर। ये पहली कार है जिसमें मैंने ऐसा फीचर देखा। दिस इज अमेजिंग। आई फील ग्रेट दैट आई एम ड्राइविंग सच अ नाइस कार। इट इज रियली ऑसम। एक नजर इंजन एंड वेरिएशंस की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको जीप कंपस कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।